reactions as well from the RJD. We have Shakti Yadav now joining us on the broadcast. What's happening in the state of Bihar? Shakti ji, आपको आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी, आपने अभी खबर देखी होगी कि 10 लोगों की जान गई है इस पूरे लिकर की वजह से. बीजेपी बोल रही है चीफ मिनिस्टर को अपोलोजाइज करना चाहिए, ये तो फेलियर है लिकर पॉलिसी का. आप कैसे देखते हैं जो हो रहा है स्टेट में? देखिए, जहरीली शराब से मौत एक दुखद है और हम लगातार कह रहे हैं कि जो आदतन कुछ लोग हैं, सरकार ने शराबबंदी इसलिए रखी थी कि बिहार के अंदर में खुशहाली हो, परिवार में खुशियां हो, जो लगातार शराब के कारण घरों में परेशानी होती है. लेकिन इधर देख रहा हूँ कि जहां जहां भी शराब, जहरीली शराब से मौत हो रही, गुजरात में भी शराब से मौत हो गई, वह भी दुखद है. लेकिन बिहार में जो हुआ वह भी दुखद है और मैं समझता हूँ कि इसको और नकेल कसने की जरूरत है. सरकार को और सशक्त होना पड़ेगा और कानून बन जाने तक, कानून तो बना हुआ देश के अंदर में, 302 बना हुआ है, हत्या हो जाती है, इसका मतलब कानून समाप्त नहीं करनी चाहिए. इसको और सशक्त करने की जरूरत है और हम समझते हैं सशक्त किए बगैर आप शराबबंदी कानून को, हम जो लागू किया है वो गांधी जी का सपना. गुजरात में शराबबंदी है लेकिन शराबबंदी है, वहां भी हाल ही के दिनों में शराबों से मौत हुई है. तो जो हैबिचुअल है, जो आदतन है, वो आदमी अगर शराब पीता है तो सरकार की तो जिम्मेदारी है. इसलिए फिलवर अगर कोई सरकार का कहीं है, अगर कहीं संलिप्तता आती है थाने का, तो आई एश्योर यू फुल्ली कि हम उन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे और कंसर्न थाना इस थाने के अंदर में. शक्ति जी, दो चीज. हाँ. पहली चीज, आप गुजरात का एग्जांपल दे रहे हैं, अगर गुजरात का केस आएगा तो हम गुजरात की सरकार से बात करेंगे. अभी बिहार से केस आया है तो हम बिहार की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं. दूसरी चीज ये है कि इस पूरे लिकर का जो केस है वो पहली बार तो ऐसी कोई खबर सामने नहीं आ रही है, ये तो एक पैटर्न बनता जा रहा है. तो जो सवाल खड़े करे जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि ये तो फेलियर है पॉलिसी का, दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रही है, कब तक ये स्मगलिंग होती रहेगी और लोगों की जान जाती रहेगी. बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा. जस्ट अगेन, द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर में थी. शराबबंदी लागू था, शराब की बात वो करते थे, वो कहते थे सशक्त कानून लागू है बिहार के अंदर, 3 महीने में कोई परिवर्तन नहीं हो गया. इतनी बात मैं जरूर जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जिस कंसर्न थाने में मौत हुई है और जो खबरें आई है, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ आपका स्क्रीन के माध्यम से बिहार की जनता को कि इमीडिएटली एक्शन करूंगा 24 आवर्स के अंदर में. जो भी थाना इसमें इन्वॉल्व होंगे, थाना की नेग्लिजेंसी खुल करके सामने आएगी, बड़े अधिकारियों की नेग्लिजेंसी खुल करके सामने आएगी, तत्काल प्रभाव से उनको मुअत्तल भी होगा, विभागीय कार्रवाई भी होगी. या जो लोग सूचना पा भी रहे होंगे, सूचना का कहीं गैपिंग होगा, जिन लोगों ने चौकीदार से लेकर कहीं तक अगर सूचना के लैप्स की बात सामने खुल करके आई होगी, तो आपको हम एश्योर करते हैं बिहार की जनता को आपके माध्यम से इमीडिएटली एक्शन करेंगे. जी, ये अच्छा है कि आप बोल रहे हैं कि इमीडिएटली एक्शन होगा, पर मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहती हूँ. आज जो छपरा के जो लोग हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? हम सबको आश्वासन देना चाहते हैं कि जागरूकता का विषय है. अवेयरनेस, आप अवेयर जब तक नहीं करेंगे सोसाइटी को, तब तक आप कानून बनाने मात्र से सिर्फ नहीं होंगे. लेकिन हाँ, ये जागरूकता पर हम लगातार हम कोशिश हमारी रहती है. शराबबंदी कानून आपके लिए है, आपके हित के लिए है, इसलिए आप हित को समझिए. अगर शराब को अगर पैदल कोई इकोनॉमी बनाना चाहेगा, अगर चाहेगा कि हम कानून को ठेगा दिखाएं, तो ऐसा नहीं है कि सरकार चुप बैठेगी. अगर हमें कहीं पड़ताल करने में अगर कहीं कुछ लगेगा, तो आपको हर चीज वहाँ अस्पष्टता दिखाई पड़ेगा जो कानून इजाजत नहीं. शक्ति जी, ये अच्छा है कि आप बोल रहे हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए, एक शिक्षा देनी चाहिए, पर ये कठोर कदम क्या लिए जाएंगे? स्पेसिफिक कदम बताइए जो स्टेट गवर्नमेंट लेना चाहेगी, क्योंकि इस समय जो बीजेपी है वो तो काफी सवाल खड़े कर रही है. वो तो बोल रही है चीफ मिनिस्टर को सामने आके अपोलोजाइज करना चाहिए, क्योंकि आप उन लोगों को क्या बोलेंगे या उनके परिवार को क्या बोलेंगे जिनके घर में ये डेथ हुई है? जस्ट सेकेंड, आप थोड़ा नेपथ्य की ओर ले जाना चाहते हैं. जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में थी, उत्तर बिहार का जो मिनिस्टर, जो भारतीय जनता पार्टी कोटेश था, उसके भाई के स्कूल में शराब के बड़े खेप पकड़े गए, बोचहा थाने में कांड दर्ज हुआ, अपने रसूख का इस्तेमाल करके अपने भाई को बचाया, वो भारतीय जनता पार्टी शराब के सवाल पर बखान कर रही है? कोई नैतिक हक है क्या? है नैतिक हक तो कोई बताए हमें. सर, आप मुझे बताइए, आज बिहार में सरकार किसकी है? तो सवाल किससे पूछे जाएंगे? सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि नहीं, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी को, अगर आप ये सवाल, भारतीय जनता पार्टी आज ये सवाल खड़ी कर रही है, उन्हीं के एमएलए बोल रही है कि चीफ मिनिस्टर को अपोलोजाइज करना चाहिए. मैं तो आपको बता रही हूँ कि क्या डेवलपमेंट हुआ है. जो सरकार है उसी से सवाल पूछा जाएगा ना सर? आप सुन क्यों नहीं रही हो? पहले सुन तो लो. यही अटल पथ पे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए शराब में पकड़े गए, पीते हुए पकड़े गए. वो पकड़े गए, पाटलिपुत्रा थाने में कांड दर्ज हुए, उनके सारे टेस्ट हुए,
यूरिन तक टेस्ट किए गए। भारतीय जनता पार्टी तो शराब का प्रतिदिन व्यापार में कानून को ठेंगा भी दिखा रहा है। सर आप आज के बारे में बताइए ना, जो ये केस आज दर्ज हुआ है, जो आज केस सामने आया है उसके बारे में बताइए। एक्शन की बात मैंने कह दिया, देन एंड देयर पुलिस वहां भी है, सारा इन्वेस्टिगेशन होगा। जहां लैप्सेस आएगा, कम्युनिकेशन का लैप्स दिखाई पड़ेगा, जिन अधिकारियों को संज्ञान में होने के बाबत एक्शन में नहीं आए होंगे उन सभी के खिलाफ 24 घंटा के अंदर में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे या देखेंगे। ओके शक्ति यादव, वी लीव द कॉन्वर्सेशन देयर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आई लाइक टू थैंक माई कॉलीग सौरभ एज़ वेल।